आज सारे बुलाया ने बढ़िया करना भी पाया है, करना वाले नाल लोगों ने स्टेट भी किया, जागरूक भी किया है। मैं तो पहला बोल रहा हूँ, सारे ने गल की है कि यह हर पिंड की कहानी है, हर घर की कहानी है। बिल्कुल अच साडे जो नौजवान है चिट्टियां नाल भी मर रहे हैं, टीके नाल मर रहे थे, इस तरह की जी गंदी सियासत है वो पिंड भी चल रहे हैं। साडे नौजवानों को गैंगस्टर जो कह कह के भी मारे जा रहे। अज पंजाब दे विच हजारां नौजवान ने जिहड़े इहदी भेंट कर चुके, इन्हां हजारां नौजवानों के कातल लोग कौन ने? मोटे तौर पर आप समझ गए तो जब पहला गल करके हटे हैं कि जो पुलिस सियासी गठजोड़ है ये हर पासे जिम्मेवार होता है, चाहे पिंडां दे विच किट्टा वेखदा है, चाहे रंगां दे विच नौजवानों की मौत होंदी है, चाहे साडे नौजवान झूठे पुलिस मुकाबलों के मारे जाते हैं। ये नाल मिलती जुलती घटना जयपाल भुगर की, जो जिले फिरोजपुर का नौजवान से, एक मुंडा जस्सी करदा जो लगातार कई सालों तो 16-17 साल तो लेके पुलिस नाल अख मचोड़े की जी खेड है वह खेडते आ रहे थे। हफ्ता पहला 10 दिन पहला उन्होंने बगाल के झूठे पुलिस मुकाबले दोनों नौजवानों को मार दिया गया। एक नौजवान की पेशाब हो जाता है दसी है मुंडा खड़ वाला, दूसरा नौजवान का जयपाल गला वह हाले संस्कार नहीं होया, 8 दिन हो गए लाश नहीं पड़ी। उसका प्यो का परिवार हाईकोर्ट पहुंचता है कि यह दुबारे पोस्टमार्टम होना चाहिए, जे पुलिस सच्ची है तो दुबारे पोस्टमार्टम कराने की हल है। और उस नौजवान की बीते आ रहे जी वीडियो देखी होनी है, उसकी बाहां तोड़िया गई, मारन तो पहला लत्तां तोड़िया गई, उसके शरीर के तिखे जो सूए ने जिले जो मारे गए। इस करके जरा पुलिस डरती है कि दोबारा जो पोस्टमार्टम होगा, खुलासा होगा उस पुल के असं डे जावे। मैं ये नहीं कहता कि मैं उस मुलजम बंदे की हमायत करना, ठीक है कि उन्हें जुर्म किया है, उन्हें कतल किए, उल्टा खुआ की डकैती की है, तो फड़िया जा सकता सी, फड़के अदालत के कानून के लिया जा सकता सी, कानून के हिसाब के नाल चाहे उन्होंने कानून उम्र कैद करता, चाहे उन्होंने कानून फाहे ला दिता। पर पुलिस को यह की अधिकार देता कि तुम साढ़े पंजाब के नौजवानों को इस तरह चक के अन्ना छात्र ढा के लत्तां बाहां तोड़ियां गई, पसलियां तोड़ दिखाई गई, नेड़े उठा के सारे शरीर के निशान नहीं कर दिता गया, सिर गोलियां ने, मूह च गोलियां ने, धौन से गोलियां लगिया हुई। देखो जब असी ऐसे हालात चुप कर देते कहते होंगे भी जुर्म उन्ना खतरनाक नहीं होता जिनी खतरनाक साड़ी चुप होती। जो ऐसे हालात के खिलाफ चिट्टियां के खिलाफ जो नौजवान मरते हो, ऐसा सियासी लाइनों में भी साढ़े नौजवान मारे जाते हैं, ज जी पुलिस गैंगस्टर कह के साथ नौजवानों मार रही है, असं यह कह के चुप कर दिए कि साढ़े पहले ज्यादातर मुलजम सीगा, उन्हें जुर्म किया तो पुलिस ने मारता। तो मैं लगता कि असं अपने अगर बहुत बड़ा खूह पट रहे हैं, आने वाला बहुत बड़ा खतरा अभी झेल रहे होंगे हैं। जो यह गलत चुप हो जाती जिड़िया कौम चुप हो जाए ने, जिड़िया कौम जुल्मों के खिलाफ नहीं लड़दियां नहीं बोलदियां, वह फिर कहते कौम आने वाले नस्ल गूगिया पैदा होंगे, गूगे हो जाते लोग, बोले हो जाते लोग। सो ये गल् ने सू खिलाफ आवाज बुलंद करनी पैनी है, ता कि जी नौजवानी का ढान जेड़े तरीके रहे कर रहे ने शिकार खेल रही है, पुलिस रहे आव कैप्टन के बोर्ड लगे हुए ने सड़कों के उ सरकार के 3400 गैंगस्टर का खात्मा कर, वह भी इस पंजाब की मिट्टी के पुत ने, मामा के पुत ने। एक उस मां को जस्सी की मां पत्रकार को सवाल करता है कि मां तुम कहो जहाँ महसूस कर रहे हैं जी मां का पुत मरता ना, जो ट्रेजेडी रूप निकलती है कहते रब की रोक रहा है, यह मावा को पता होंगे जो दुख की होंगे। सो जो असं जवानी को बचा है तो खिलाफ आवाज बुलंद करो, नहीं तो इन्होंने फिर कोई ना कोई बहाना करके कि यह गैंगस्टर है जी, ये माहौल खराब करते जी, ये अतवादी ने जी, जगह बेचने वाले ने, तो इस तरह ही मारते हैं। मैं कहना जो भी बंदा का दबाव फिर अपनी गल कहना
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਲ ਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੇ ਸੰਤਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਕਾਂ ਦਾ ਐਸ ਐਲ ਆਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੜੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਟਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10-10-15-15 ਸਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਟਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।